और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर दौरे से वापस लौट चुका है इंडिया अलायंस का डेलीगेशन। आपको बता दें कि वापस लौटने के बाद विपक्षी सांसद मणिपुर की स्थिति में को लेकर ये उन्होंने कहा कि स्थिति खौफनाक दर्दनाक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए, हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, और इसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया था, और विपक्ष बार बार यही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में अपनी बात रखनी चाहिए मणिपुर हिंसा को लेकर, इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और इसी को लेकर जो डेलीगेशन था इंडिया अलायंस का वो मणिपुर पहुंचा है, और वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके की लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसी को लेकर पूरा डेटा ये तैयार किया गया, और ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद सामने उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है, और इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। वापस लौट चुका है विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन जो मणिपुर में गया था। उन्होंने कहा मणिपुर में स्थिति बहुत ज्यादा खौफनाक है, दर्दनाक है। दरअसल मणिपुर में जहां जहां पर हिंसा हुई है वहीं पर ही ये डेलीगेशन पहुंचा था, और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है। मेरे देश की एक हिस्सा है, कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर की माँ बहने जिनको बच्चा देने की समय होता है, बच्चा पैदा करने की समय होता है, कोई उनका प्राइवेसी नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, क्या हो रहा है? हम कि यह सब समाज में बस रहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये दिल्ली देखो और मणिपुर देखो, कोई इसमें कोई अंतर, मतलब दो विश्व के अंतर बन चुके हैं। सर पार्लियामेंट में क्या करेंगे? हो ये मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश के प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नीति टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते, और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सेफ कोई सरोकार नहीं है।